बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में आज प्राइवेट डॉक्टर्स की हड़ताल है। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में प्राइवेट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। डॉक्टर हड़ताल पर हैं, आपातकालीन और गंभीर सेवाएं हालांकि चालू रहेंगी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये हड़ताल की जा रही है, यानी हड़ताल जारी है। मरीजों और दुकानदारों को काफी परेशानी हो सकती है। देश भर में आज प्राइवेट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। दवाओं की मांगे है जिसको लेकर यह हड़ताल की जा रही है। नेशनल मेडिकल आपको बता दें कि इसी वजह से यह हड़ताल की जा रही है और काफी परेशानी हो सकती है आज मरीजों और दीवारदारों को। जितेंद्र भाटी गाजियाबाद से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मांगे हैं इन डॉक्टर्स की, क्यों हड़ताल कर रहे हैं और कितनी परेशानियां मरीजों को हो सकती हैं? तो जो डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए हैं, जो जॉइंट कॉर्पोरेट बड़ी जो 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 पीड़ित है उनको परेशानी होगी, जो मरीज है उनको बेहद बड़ी परेशानी होने जा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की है, आपको बता दें कि आपको ये जो हड़ताल की गई है डॉक्टरों के द्वारा, ये हड़ताल का कारण है जो डॉक्टरों ने हड़ताल की घोषणा की आए में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की है। आपको बता दें कि इनके हड़ताल पर जाने से पहले अस्पताल में हालात खराब हो सकते हैं, ये हालात बद से बदतर होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। गाजियाबाद के डॉक्टर का हड़ताल पर जाने की एक बड़ी खास वजह है एनएमसी नाम का जो बिल केंद्र सरकार ला रही है उसका विरोध कर रहे हैं। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन नाम से जो कानून बनाने की सरकार जो पहल कर रही है, ये सब जो डॉक्टर है सबका विरोध कर रहे हैं। सभी अपने अपने जिला मुख्यालय पर नगर में प्रोटेस्ट करेंगे और इस बिल का जमकर करेंगे। कहीं ना कहीं इनका इस तरफ से ये कहा जा रहा है कि यदि ये बिल पास होता है तो न सिर्फ मरीज को बल्कि डॉक्टर को भी बेहद परेशानी होने वाली है और इसी के चलते डॉक्टर बेहद नाराज है और एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स को इस बिल में क्या कुछ खामियां नजर आ रही है, क्या सरकार उन पर विचार करेगी? देखिए, दरअसल इस बिल के बारे में डॉक्टर का कहना है कि ये बेहद नुकसानदेह है और इससे मेडिकल लाइन की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, इलाज महंगा होगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर विदेश में ऐसे पढ़ाई करके आया है, उसे इंडिया में काम करने के लिए एक टेस्ट देना होता है जिससे उसकी काबिलियत परखा जाता है। सरकार उस टेस्ट को खत्म कर देगी, पूरी तरीके से खत्म कर देगी जो गलत है। साथ ही इस बिल में बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।